हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। चलिए सीधा क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर्स करते हैं, ठीक है। द टर्म ऑक्सिन वॉज कॉइन बाई, ठीक है। आज जो हमारा प्लांट ये टेस्ट है ये हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर है, उसमें भी मेनली हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। पाँच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिनको हम प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है। चलिए करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन के बाद। द टर्म ऑक्सिन वॉज कॉइन बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ डब्ल्यू वेंट, ठीक है। मैं सीधा आंसर बताते जा रहा हूँ, आप इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो कि आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, तो कौन है इसका प्रिकर्सर? देखिए ट्रिप्टोफेन है, ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल द फॉलोइंग हॉर्मोन आर ग्रोथ इनहिबिटर एक्सेप्ट, इनमें से सब में से ग्रोथ इनहिबिटर है किसको छोड़ के? तो आई ए ए, ठीक है। ये आपका ग्रोथ प्रोमोटर है, इनहिबिटर मतलब उसको इनहिबिट करता है, बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। प्रोमोट मतलब बढ़ाता है, आ रहा है इतना समझ में? चलिए तो आई ए इंडोल एसिटिक एसिड याद रखना हमको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस हार्मोन, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में, तो गैसियस हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग का काम करता है आपका, ठीक है। आपको याद रखना है फ्रूट राइपनिंग का काम कौन करेगा, तो हमारा करेगा इथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज वाइडली यूज एज रूटिंग हार्मोन, ठीक है। रूट्स के लिए जो हार्मोन यूज होता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है एन ए ए, ठीक है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये याद रख लेना आपको। एजेंट ऑरेंज द लीफ डिफोलिएटर यूज बाई यूएसए इन वियतनाम वार वास, कौन सा यूज़ किया था उन्होंने? किया था आपका 2,4-D। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल द फॉलोइंग इनहिबिट्स ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट, एंटी ऑक्सिन्स कौन है इनमें से इसको छोड़ के, है ना, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो इसको छोड़ के बताना आपको, है ना। सब तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं लेकिन कौन नहीं करता है? तो हमारा साइटोकाइनिन नहीं करता, करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये याद रखना सीधा आंसर, ठीक है। आप पढ़ लीजिए इनकी थियरी अच्छे से तो आपको सारे आंसर बन जाएंगे, इसमें समझाने लायक जैसा कोई चीज़ ज़्यादा है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज वाइडली यूज एज सिलेक्टिव वीडीसाइड, ठीक है। अब वीडीसाइड का काम कौन करेगा? हमारा 2,4-D करता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, कम कंसनट्रेशन में तो हॉर्मोन का काम करेगा, ज़्यादा कंसनट्रेशन में है तो वीडीसाइड का काम करेगा। ऑल और सिंथेटिक ऑक्सीजन एक्सेप्ट, अब सब सिंथेटिक है किसको छोड़ के? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई ए इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपका सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना एन ए इस तरीके से सिंथेटिक हो गया आपका, ठीक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? तो पोलार होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो एसे आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए क्या है? तो एवेना कर्वेचर, और इसको तो आपने सबने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के पहले पॉइंट में लिखा रहता है ये, ठीक है। एवेना कर्वेचर टेस्ट, ऐसा कर्व हो जाता है, ठीक है, फिर उसकी टिप काट देते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है, देख लीजिएगा वो एक्सपेरिमेंट आपका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? इसके लिए आपको ऑक्सीजन के सारे फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तो जब हम फिजियोलॉजी का टेस्ट लेंगे तब सारे फंक्शंस आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी इंड्यूस नहीं करता ये। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोड्यूल फॉर्मेशन इज इंड्यूस बाई, नोड्यूल फॉर्मेशन कौन इंड्यूस कराता है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई ए इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। एंड ऑल आर नेचुरल ऑक्सीजन एक्सेप्ट, तो कौन नहीं था हमने अभी ऊपर देखा था, एन ए हमारा नहीं था, ठीक है, क्लियर है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीजन रिसेप्टर, कौन है ऑक्सीजन रिसेप्टर? ABP1 है, ठीक है। आंसर सीधा आपको याद रख लेना। अब देखिए ABP का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन 1, GRE का जिबरलिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, TIBA ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, 2,4-D तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेस्ट खत्म, ओके, थैंक यू।